कभी तो मिलेगी आइए आइए। जरा सुनिए। एक मिनट, ऐसे मत बोलिए ना आप, जरा सुनिए जरा सुनिए। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई पत्नी अपने पति को बुला रही हो कि जरा सुनिए। और मुझसे तो प्लीज बिल्कुल ऐसे बोलिए मत, क्योंकि मेरी तो अभी कोई शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई है अभी तक, तो प्लीज। शादी तो हमारी भी नहीं हुई है, क्रीम पोत के आई हूँ, है ना चिली? हाँ मिली, पाउडर उड़ेल के आई हूँ। तो मैं दीदी को लेके कब आ जाऊँ? अबे ओ दीदी के देवर, रुक जा जरा। हाँ भाई लेडीज कौन हो दोनों? मैडम मैं मिली हूँ। किससे? अड़ोसी से या पड़ोसी से? पोस्ट ग्रेजुएट हो गई मैं रेफ्टे मारने में, और तैने कर ली पीएचडी, पर सीधी ना हुई पूछ बिल्कुल कतई। सॉरी मैडम। हाँ किसको मिली हो? मैडम मेरा नाम मिली है। क्या तकलीफ हो गई? मैडम मेरा नाम ना जूली है, पाउडर उड़ेल के आई हूँ। अरे पाउडर का डब्बा खत्म हो गया, अपनी तकलीफ बोल लो, हुआ क्या है? हाँ मैडम वो हमें ना हम दोनों को एफआईआर दर्ज करवानी है। हाँ। किसके खिलाफ लिखानी है? डैडी शादी करने की जबरदस्ती कर रहे हैं या मम्मी? वो मैडम हमें ना छेड़ा जा रहा है, क्रीम पोत के आई हूँ, है ना चिली? हाँ मिली। छेड़ा जा रहा है? कौन पैदा हो गया हमारे इलाके में जो छोरियों ने छेड़ रहा है? कहाँ हुई हो वारदात? मैडम वो जो बांदा रोड है ना, वहाँ पे डिग्गी चुराहा है, वहाँ हमें छेड़ा जा रहा है। क्रीम पोत के आई हूँ, है ना जूली? हाँ मिली, पाउडर उड़ेल के आई हूँ। मैडम एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों वहाँ से जाते हैं क्योंकि हमारा कॉलेज जाने का वही रास्ता है। इस तरह छेड़ी जा रही हो? मैडम वो जो है ना, हमें बार बार टाइम पूछते हैं और फिर हमें छेड़ देते हैं। हाँ। नाम क्या है छेड़ू का? मैडम बजरंग पांडे। कहा बजरंग पांडे ने छेड़ा? हाँ बजरंग पांडे ने हमें छेड़ा है। Well baby, are you sure is the लता रफी किशोर is the? हाँ दद्दू हमें बजरंग पांडे ने ही छेड़ा है, क्रीम पोत के आई हूँ। नहीं 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 मैडम ऐसा नहीं हो सकता। सर चाहे कितने भी घटिया लूमड़ और सीटियाबाज किस्म के इंसान हो, जबकि वो हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, ये हो नहीं सकता मैडम। अरे तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैडम हमें बजरंग पांडे ने ही छेड़ा है, क्रीम पोत के आई हूँ, है ना चिली? हाँ मिली, पाउडर उड़ेल के आई हूँ। बिल्लू गुलगुले जाओ जाके देखो, बजरंग पांडे है या चंकी पांडे जो इन छोरियों ने छेड़ रहा है। ओके। अरे अरे उफ 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 उफ। अरे अरे बस कीजिए पंडित जी, बस कीजिए। कोई परेशानी की बात है क्या पंडित जी? गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, किस्मत कपिल देव है। अरे वाह, तो उसमें परेशानी की बात क्या है? हमारी किस्मत कपिल देव जैसी है। देखिए ये हमारा तकिया कलाम है, किस्मत कपिल देव है। किस्मत तो कपिल देव है पंडित जी, लेकिन हमारी किस्मत क्या है? सचिन या धोनी या फिर होने वाली कोई अनहोनी। देखिए जजमान, आपकी किस्मत में शनि और राहु मचा रहे हैं याहू, हैं, और केतु और मंगल मचा रहे हैं दंगल, हैं, और जब तक इनको शांत नहीं किया जा सकता तब तक आपकी किस्मत नहीं खुलेगी और ना ही आपका विवाह होगा। किस्मत कपिल देव है, देखिए। तो पंडित जी हमें फिर क्या करना होगा? देखिए कल सुबह सुबह वो जो बांदा रोड पर जो है ना, वहां पर जाके 100 लड़कियां, कम से कम 100 लड़कियां, उन्हें रोक कर हल्का सा छेड़ कर टाइम पूछ लेना, आपका सही टाइम शुरू हो जाएगा। बाकी किस्मत कपिल देव है। टाइम क्या हुआ है? हट बदतमीज़। ओहो, और साहब, how are you? हैं? क्या हाल-चाल? सब ठीक-ठाक? Looking nice today. वैसे टाइम क्या हुआ है? टाइम बता दो यार। टाइम क्या हुआ है? टाइम बताओ। टाइम 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 बताओ। टाइम टाइम क्या? तीन हो गए। गुड गुड गुड। टाइम बताओ। टाइम टाइम टाइम। इसका मतलब वो दोनों सहेलियां सच कह रही थी गुलगुले जी। सर तो एक नंबर के बेशर्मी का मुरब्बा निकले। हाँ यार बिल्लू, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सर के अंदर ऐसा एक लड़की छेड़ू भेड़िया होगा। चाय पिलाना। तीन तीन चाय। कॉफी चाय क्या चाहिए आप लोगों को? वैसे टाइम क्या हुआ है? टाइम गाड़ी तो पहनी है ना आपने? हाँ तो क्या बात? देखिए अपनी। पुलिस को बुलाओ। हाँ बुलाओ पुलिस को, बुलाओ बुलाओ पुलिस को। टाइम क्या हुआ बताओ। देखिए ना, देखिए इनको कैसे भर भर के लड़कियां इनकी बेइज्जती कर रही हैं, फिर भी मतलब शर्म नहीं आ रही है जरा सी भी। मान नहीं रहे, छेड़े जा रहे हैं उनको। प्लीज तो हम ही बुलाओ, हमें बुलाओ। पाँच हो गई, पाँच। मैंने मतलब इतना बेशरम और घटिया आदमी अपनी जिंदगी में आज तक गुलगुले जी देखा नहीं है। ये बिल्कुल क्या है ये? बस बस। ऐसे काफी खूबसूरत है आप। ये टमाटर जो लेके जा रही है इसे काट के फेस पर लगाइए, चेहरा और खिल जाएगा। गुड फॉर फेस टमाटर। वैसे टाइम क्या हुआ है? लगाऊं क्या जूती उतार के? लगा दो लगा दो। नहीं टमाटर खाइए। ये सब मैडम को दिखाना होगा बिल्लू, सब मैडम को दिखाना होगा, वरना वो हमारी बातों को यकीन नहीं करेंगी कि सर जिनको वो गोविंदा समझती है वो गुलशन ग्रोवर निकला, जिनको वो रणबीर कपूर समझती है वो तो शक्ति कपूर निकला यार। चल बिल्लू, मैडम को बताते हैं। कौन बिल्लू बे? ऐसे सट के क्यों खड़ा है यहाँ पे? पॉकेट मार लूंगा तेरी। कुछ हुआ था क्या? नहीं, लेकिन होगा, बहुत जल्द होगा। तू चल मैडम के पास। मैडम 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 चलिए, मैडम सुनिए, चलिए 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 जल्दी चलिए। क्यों? तुम्हारी मौसी का गौना है या बुआ की बारात सज रही है? बारात तो मैडम अब सर की निकलेगी, और बैंड भी बजेगा वो भी दोनों हाथों से, और आप बजाएंगे मैडम। क्या बक रहा है? हाँ मैडम, जिन सर को आपने समझा था स्वादिष्ट गोल गप्पा वो निकला डैनी डैन जोम्पा, जिसको आपने समझा था शराफत का झोपड़ा वो निकला प्रेम चोपड़ा, जिस सर को आपने समझा था इज्जत का गीत वो निकला रंजीत। हाँ मैडम हाँ, मैंने अपनी इन कंजी आंखों से और गुलगुले जी ने अपनी इन काली आंखों से देखा है मैडम। खुद सर को रास्ते पे खड़े होकर आने जाने वाली शरीफ लड़कियों को छेड़ते हुए देखा है मैडम। पूछ रहा हूं उनसे टाइम क्या हुआ? टाइम खुद घड़ी बांधी हुई थी उन्होंने। इसका मतलब वो दोनों छोरियां मिली जुली वो सही कह रही थी। अरे हाँ मैडम हाँ, चलिए चलिए मैडम अभी चलिए हमारे साथ, और सर का ये घिनौना चेहरा देखिए आप। आइए चलो चलो। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? टाइम टाइम बता दो। एक्सक्यूज मी, हेलो टाइम क्या हुआ है? टाइम तो पूछ रहे हैं, नाराज क्यों हो रही हो? हेलो एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? टाइम टाइम बहुत बुरा चल रहा है सर आपका। मैं छोड़ रहा, आप यहाँ कैसे? अच्छा मतलब मन ने देखकर तोते उड़ गए। सर मैडम को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या बात करो, सब पता चल गया? मैडम कोई नहीं सर, हम सबको सब कुछ पता चल गया है। मैं कभी सोच भी ना सकी थी कि इस कदर जो है आप इतना गलत काम करेंगे सर आप। सर इसमें बुराई क्या है? Now this man don't see बुराई, इसमें बुराई भी ना दिख रही इनको। वाह वाह, इसमें बुराई है ही ना कुछ। हमारे ज्योतिषी ने हमें क्या करने तो हम कर रहे हैं बिंदास। क्या क्या बात है सर, मतलब आपके ज्योतिषी ने आपसे कहा है कि आप लड़कियों को छेड़े? अबे प्लीज प्लीज सर, अब आप ज्यादा इन पे धौंस जमाना बंद करिए। दो लड़कियों ने आपके खिलाफ जो है FIR लिखाई है, जिनको आपने छेड़ा है। वो आती भी होंगी किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण। ये छिड़ी है मैडम। हम आ गए, क्रीम पोत के आई हूँ। नहीं, तुम तो क्रीम पोत के आई हो, लेकिन अभी बहुत जल्द किसी के चेहरे पे कालिक पुतने वाला है। क्यों? लेकिन इन्होंने क्या किया है? अरे यार, तुमने ही तो कही थी ना बजरंग पांडे ने तुम्हें छेड़ा है। हाँ हाँ मैडम, बजरंग पांडे ने तो हमें छेड़ा था। हाँ तो यही तो है, बजरंग पांडे तुम्हारा छेड़ू। नहीं नहीं मैडम, ये तो एक है ना, हमें दो ने छेड़ा, मतलब एक बजरंग और एक पांडे। क्रीम पोत के आई हूँ। सुन लिया बे, सुन लिया, हमें चढ़ाला। वो एक बजरंग है और एक पांडे है और एक आप है जिसने हमें लड़की छेड़ू समझा। और सर वो दो अलग अलग नाम है एक आदमी होने की वजह से सब गलतफहमी हुई है, वरना सर हमारा दिल कलाबाजियां खा के गोते लगा के कह रहा था कि वो सर आप नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। हम चढ़ाला हमें से नहीं है। आई एम सॉरी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ F.I. कुछ हुआ था क्या सर? हुआ था वही हुआ था जो इतने दिन से होता जा रहा है बे। अगर तूने हरकतें बनना की ना बिल्लू तो हम ना तो सर आप क्या तो हम ना तो आप क्या सर तो हम तेरे साथ जो सर मुंह पे लगा लीजिए ताला इजदा, मत भूलिए ये है कमिश्नर साहब का साला इजदा है। अब तो कुछ नहीं, अब तो मैं फोन करूंगा जीजू को, वो बोलूंगा कि किस तरह से आपने मुझे धमकाया है, एक कोमे कोले कुमलाए बच्चे को इस तरह से जिसकी कोई शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं उसको और होगी भी नहीं बे। बोल दे जिसको बोल तो बोल। अरे छोड़ ना बे, क्यों वेस्ट करता है पैसे, मजाक कर रहे थे बिल्लू। मैं आपके मजाक पे हंस दिया। गुड, हंसते रहे। सर उन दोनों सहेलियों को बुला लिया है सर मैंने, वो बस आती होंगी। छक्का गुलगुले, उनको तो सबक सिखाना होगा और उन दोनों बजरंग और पांडे को किसी भी तरह हमें पकड़ना होगा। हाँ सर, वो बजरंग पांडे मतलब एक नंबर के लोमड़ लीचड़ गुंडा घटिया, एकदम बेशरम बेहया बे। अरे बस करो बे, भूलो मत कि हमारा नाम है बजरंग पांडे। ओ नाम का तो लिहाज कर लो बे। सॉरी कैरी ऑन। आइए हमारे अरे क्रीम पोत के आई हूँ। क्यों चली? हाँ मिली, पाउडर उड़ल के आई हूँ। हमने तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ है बुलाया इजदा। हसीना ने मुझे देख के गाना गाया इजदा। कौन सा? ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान खफा मत होना रे। हो गया आया, हम पूछ ले या। हेलो ओ मिली एंड जूली। देखिए हमें आपसे ये पूछना है कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, क्रीम पोत के आई हूँ। और आप हमसे ये पूछना चाहते हैं कि हम शाम को कॉफी पे चलेंगे या नहीं? देखिए हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जब वो घटिया बजरंग पांडे मेरा मतलब है जब वो दोनों बजरंग और पांडे आप लोगों को छेड़ते हैं तो मतलब वो कितने बजे छेड़ते हैं, क्या टाइम पर छेड़ते हैं, ताकि आप हमें अगर ये बता दें तो हम उसी समय वहां पहुंच जाएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। यस! देखिए भैया, उनका हमें छेड़ने का कोई टाइम तो है नहीं। कभी वो सुबह छेड़ते हैं तो कभी शाम को छेड़ते हैं, कभी दिन में छेड़ते हैं तो कभी रात में छेड़ते हैं। क्रीम पोत के आई हूँ। क्यों जुली? हाँ मिली, और नहीं तो क्या। पता नहीं उन्हें कहाँ से पता चल जाता है मोहल्ले में लड़कियाँ पाउडर उड़ेल के चली है और बस कहीं से भी वो आधा मगते हैं। अच्छा, लेकिन उन्हें पकड़ना तो होगा, जाल बिछाना होगा या ताकि शिकार जाल में फंसे इज़्दा, हम सब हंसे इज़्दा। मैडम तो कमिश्नर साहब के साथ बिजी हैं सर, लेकिन फिर भी मैडम का एक खतरनाक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है जिसमें जाल भी बिछ जाएगा, शिकार भी आ जाएगा और शिकार फंस भी जाएगा। भैया हाँ? टमाटर कैसे दिए? 20 रुपए किलो, यहीं सो जाऊंगा। भैया हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप, इतना महंगा, जैसे जोधपुरी लहंगा। ये छोड़िए, ये बताइए ये बैंगन कैसे दिए? अरे बहन जी, ये बैंगन जो है 25 रुपए के आधा किलो हैं, यहीं सो जाऊंगा। भैया एक चीज बताइए आप लोग, अरे आप लोग यहाँ सब्जी भाजी खरीदने आई हैं कि बस से पूछ ताछ कर रही हैं? आप तो ऐसे बात करें जैसे सब्जी की दुकान ना हुई, कोई 5 स्टार होटल हो गया आपका। जो पूछ रहे हो उतना बताइए ना। अरे तो बता तो रहा हूँ। हेलो, क्या बदतमीजी है। लो आ गए कलयुग के राक्षस, सुपारी सुपर हिट है। चलो बदतमीज, चलो दे हमको। टमाटर खा के टमाटर जैसी हो गई है, थोड़ा हमसे भी तो बतिया लो। हसीना हॉलीवुड है। ये तुम लोगों को शर्म नहीं आती, हम जैसी दो खूबसूरत कमसिन हसीनाओं के साथ इस तरह छेड़खानी करते हुए? एक्सक्यूज मी, अभी छेड़ा कहाँ है? अभी तो छेड़ेंगे। वैसे कहाँ रहती हो? आज से पहले इलाके में नजर नहीं आई। तू कटरीना, मैं कैफ। करीना को ले गया सैफ। बचाओ बचाओ, ये दो गुंडे हम दो अबला नारियों को छेड़ रहे हैं। कोई तो बचाओ, कोई तो निकल के सामने आओ, निकलना बचाना कोई तो। हेल्प 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 हेल्प। आ गया पुलिस। अरे घबराओ मत, बताओ क्या बात है। इंस्पेक्टर साहब, ये गुंडे हम लोगों को छेड़ रहे थे। हाँ 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 हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी नाजुक कलाई जैसे मलाई, उसको कितना कस के मरोड़ा इस आदमी ने, ये टोपी वाले ने। ये लो। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। अरे हम लोग कहीं जा रहे थे तो देर हो रही थी, हमने कहा टाइम बता दो, टाइम कितना हुआ है? तो ये घड़ी नहीं बांधी थी, हमने कहा घड़ी बांध के निकला करो घर से, हसीना हॉलीवुड है। और इन्हें लगा कि हम इन्हें छेड़ रहे हैं। अरे हम तो बहुत शरीफ है। तू कटरीना, मैं कैफ। करीना को ले गया साहब। तुम लोग कितने शरीफ हो, और ये लड़कियां झूठ बोल रही है। सच, इसका फैसला हम चौकी में करेंगे। चुपचाप आके हमारी जीप में बैठ जाओ। चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। हाँ, हम इस इलाके के जो नेताजी है ना, पांडे जी, उनके भांजे है। तू कटरीना, मैं कैफ। करीना को ले गया साहब। और तुम दोनों हमें नहीं जानते, हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर है पांडे। और हमारी एक आदत है भैया कि हम 3 तक गिनेंगे, और 3 गिनने तक कोई हमारी बात ना माने तो हम 4 गोली उसके अंदर डाल देते हैं, और 5 मिनट में वो पहुंच जाता है सीधे ऊपर। तो 1 वो है, 1 2। जीप कहाँ है सर? वहाँ आओ। चलो आइए, हम चुपचाप खड़े जाओ। चलो यहाँ पर, हम तो खुद ही चल रहे सर। मिस्टर चौटाला, ये वो 2 लोग जो इन 2 कमसिन कन्याओं को छेड़ रहे थे। हाँ भाई, प्रिटी वुमेन्स। क्या इन दोनों भोंडी शकल के घटिया टाइप लौंडों ने तुम्हें छेड़ा है? हाँ मैडम, इन दोनों ने हमें बहुत बुरी तरह से छेड़ा है। हाँ, वो तो अच्छा है कि इंस्पेक्टर साहब आ गए, वरना ये दोनों हमारे साथ क्या करते पता नहीं। भाई गोपी, मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा, क्या चल रहा है तुम्हारे जिंदा रहते इलाके में? हैं? लिखो एफ.आई.आर. लिखो इन दोनों की, फिर आड़े हाथों तो लेंगे ही नहीं हम। ओ या आइए। ठहरिए ठहरिए, आई एम बैक। वेल ब्रो, हूँ दा यू दा आर इज दा, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज दा है। दादाजी, हम इस इलाके के नेता हैं। आई एम बैक, और ये दोनों जो है ये हमारे भांजे हैं। मामा जी, ऐसा है नेताजी, कुछ बेरा है आपके? यो होनहार केगुल खिला रहे हैं शहर में। शरीफ घर की लड़कियों ने छेड़ रहे बिल्कुल ही। अरे गलत है सब नेताजी का, मामा जी सब गलत है, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। हम तो मामा जी बिल्कुल चुपचाप चले जा रहे थे, उल्टा इन लड़कियों ने हमें छेड़ा। हाँ मामा जी, और हमने जब इन दोनों से कहा कि हमें मत छेड़ो, हम दोनों शरीफ लड़के हैं, तो ये शोर मचाने लगी। और इतने में ये इंस्पेक्टर साहब वहां पर आए और हमें उठाकर यहाँ ले आए। तू कटरीना, मैं कैफ। करीना को ले गया सैफ। झूठ 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 बोल रहे हैं ये दोनों। मैडम, इन दोनों ने हमें छेड़ा है, मैं बता रही हूँ ना, इन दोनों ने। ओके प्लीज लेडीज, डोंट वरी, आई एम हियर। ऐसा है नेताजी, ओ छोरियां जो है थाने में आ गई हैं और इन्होंने दे दिया है बयान। इब तो FIR लिखी जाएगी और बाकी कितने शरीफ जो है तुम्हारे भांजे हैं वो तो इनकी शक्लों पे ही लिखा है। एक मिनट मैडम, एक मिनट। अरे एक बात बताइए, क्या सबूत है, क्या सबूत है आपके पास कि हमरे ये जो दो भांजे हैं इन दोनों ने इन दोनों लड़कियों को छेड़ा है? भैया सबूत हम है कि इन दो लड़कों ने इन दो ब्यूटीफुल लड़कियों को छेड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपको पता नहीं है कि पुलिस की गवाही कोनो मायने नहीं रखती है। देखिए मैडम, अगर बीच बजरिया भरी दोपहरिया हमारे इन दोनों भांजों ने इन दोनों लड़कियों को छेड़ा है तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा। आई एम बैक। हाँ देखा ना, वहाँ पे सब्जी वाला था उसने देखा, चाय वाला था उसने देखा, पान वाला था उसने भी देखा, वो तीनों वहाँ मौजूद थे मैडम। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है, तो ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे बुला लीजिए उनको यहाँ और कराइए शिनाख्त इन दोनों की। अगर ये साबित हो गया कि इन दोनों ने इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को छेड़ा है तो कसम खाकर कहते हैं हम अपनी जूती से दोनों की सुताई करेंगे। ऐसा कर लो, बुलवाओ गवाहों ने। हाँ भाई जेंटल लेडीज, जो ही हैं वो तीनों जिन्होंने तुम्हें छिड़ते हुए देखा चश्मदीद। हाँ मैडम, यही है वो तीनों। हम है पान वाले मिश्रा, सुपारी सुपरहिट है। मैं सब्जी वाला और हमारा नाम है टिल्लू। मैडम मैं हूँ चाय वाला चुन्नू, चाय उबल गई चीन में। हाँ तुम तीनों, ये दोनों छोरियां तुम्हारे जो है मोहल्ले से गुजरी थी। हाँ 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 मैडम, वो लोग वहां से गुजरी थी, चाय उबल गई चीन में। गुड गुड। तो हमारी देश की शरीफ जनता, ये बताओ कि इन लड़कों ने इन दो लड़कियों को छेड़ा था? तने बढ़िया से देख के बताओ कि ये दोनों ही हैं वो जो इन दोनों लड़कियों को छेड़ रहे थे। आई एम बैक। मैडम जी, इन दोनों लड़कियों को इन दोनों लड़कों ने नहीं छेड़ा है, यहीं सो जाऊंगा। सच सच बोल ले वरना तैने यहीं सुला दूंगी मैं। एक मिनट मैडम, एक मिनट। देखिए आप दबाव डाल रही हैं कि ये लोग जो है हमारे भांजे के खिलाफ गवाही दे, लेकिन मत भूलिए कि हम भी इस इलाके के नेता हैं। देखो यार मैं क्या कह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ यार, जरा ना ये है ना जो है उसको जरा ध्यान से देखो, क्या यही था है मेरा यार? दादाजी मैं आपका यार कब से हो गया? well. मैडम जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लड़कियों ने ना इन लड़कों को छेड़ा है, सुपारी सुपर हिट है। बड़ा झूठ। हमें शर्म नहीं आती हम जैसी अबला लड़कियों पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए। तीनों ने हमें पूरी तरह से छेड़ा, हमने चीखा चिल्लाया बचाओ बचाओ, आप लोगों ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, ऊपर से हमें ही। बस बहुत हो गया। अरे देखिए बहुत हो गया ड्रामा, अब जो है केस हम करूंगा और एफआईआर लिखी जाएगी इन दोनों लड़कियों के खिलाफ। आई एम बैक। अबे बैक बैक क्या है बे? एक और आदमी बचा है हमारा। चाय वाले भैया आप तो काफी शरीफ लग रहे हो, जरा बता दो कि इन दो लड़कों ने इन दो लड़कियों को छेड़ा है। छेड़ा है ना, बोल दो। सर मैडम माने मैं जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। चाय उबल गई चीन में। दरअसल बात यह है मैडम के ये जो दो लड़के हैं ना वो बहुत ही शरीफ है। बिल्कुल शरीफ है, बल्कि उल्टा ये मैं कहूंगा कि ये दोनों लड़की ने इन दो लड़कों को छेड़ा है। ये। चाय उबल गई चीन में। हाँ, सुन लिया, सुन ली गवाही, और कुछ सुनना बाकी है। आई एम बैक। और एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद अगर हमारे इन भांजों के ऊपर उंगली का आंख उठा के भी देख लिए ना तो ऐसे चुटकी बजा के 2 मिनट में ये वर्दी उतरवा देंगे और ऐसा ऐसा इल्जाम लगा देंगे, ऐसा कांड हो जाएगा जिसका ना बचेगा सबूत और ना कोनो गवाह। मामा जी चलो भाजो। मामा जी अरे चल 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 चल। इंस्पेक्टर साहब छोड़ेंगे नहीं, हम गोली मार देंगे, सर मार देंगे। मैंने क्या किया? अबे तुमने नहीं बे, उस नेता और उन दो भांजों को हम गोली मार देंगे कह रहे हैं। मारना ही चाहिए सर, उससे कुछ नहीं होगा सर। गलती सिर्फ नेता की नहीं बल्कि जनता की भी है। जनता डरती है और पुलिस पर जनता का कोई भरोसा नहीं है। जनता के दिल से इन नेताओं का डर निकालना होगा और पुलिस के लिए विश्वास फिर से जगाना होगा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे कल की गोभी कैसी थी? एकदम मजेदार। बापू ये लो खाना, और अम्मा ने कहा ज्यादा नखरे ना दिखाना, पूरा खाना खा लेना। अरे हाँ भाई हाँ खा लूंगा। एक तो तेरी अम्मा इतना बेस्वाद खाना बनाती है और ऊपर से ये चाहती है कि मैं पूरा का पूरा खाना खा लूं। खा लूंगा खा लूंगा। चाय उबल गई चीन में। चल चल अभी जा, निकल जा, टाइम हो गया तेरा कॉलेज जाने का, जा जल्दी जा। हाँ, 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 जा रही हूँ। चमक छल्लो कहाँ जा रही हो? कहो तो हम भी छोड़ दे। कौन हो तुम लोग? देखो हम गुंडे हैं, लड़की छेड़ना हमारा काम है, लॉली और पॉप हमारा नाम है। करेक्ट, ये है लॉली, हम है पॉप, आशिक है हम एकदम टॉप। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरी बेटी के रास्ते से, हटो। चाय उबल गई चीन में। चीन नहीं हसीन है? तुम्हारी बेटी जो है ना काफी हसीन है। What? और हम इसे ना छेड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। ए, क्या कर रहे हो? अरे बचाओ बचाओ मेरी बेटी को बचाओ। कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं, तुम दोनों को देख लूंगा। पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तुम दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखूंगा। चाय उबल गई चीन में। हा, 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 हम बहुत खतरनाक गुंडे हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। यहाँ तुमको एफआईआर लिखवानी है, लिखवा दो। और आज तो क्या, हम रोज तुम्हारी बेटी को छेड़ेंगे। नहीं। और मूड किया तो तुम्हें भी छेड़ लेंगे साथ में। hey! और किसकी हिम्मत है जो हमें रोके? अगर कोई हमें रोकेगा तो सीधा हम उसे पहुंचा देंगे ऊपर या गाड़ देंगे नीचे। समझ गए? बाबू मैडम, यही वो दो गुंडे हैं जिन्होंने मेरी बेटी को छेड़ा था। चाय उबल गई चीन में। क्या कहना है सारा छोरी? यो ही हैं वो दो लौंडे जिन्होंने तने छेड़ा। हाँ मैडम जी, इन दोनों ने ही हमें छेड़ा है, वो भी सबके सामने छेड़ा है। छेड़ के छेड़ा है, बहुत छेड़ा है, कसम बबलू सुरेश की। क्या भाई शक्ति कपूर, क्या चल रहा है? सोचा नहीं तुमने ऐसा काम करने से पहले कि जब चंद्रमुखी पता चलेगा तो जो है कब्र खोद देगी तुम्हारी। मिस चौटाल, इंस्पेक्टर, हमने किसी को ना छेड़ा है। हम तो इतने शरीफ लोग हैं, किसी को छेड़ ही नहीं सकते। हाँ, हम तो इतने शरीफ हैं, अगर कोई हम पे इल्जाम लगाए हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस इल्जाम लगाने वाले की हड्डियां तोड़ देते हैं। कम बोल दिया छोटे भाई। हम इतने शरीफ लोग हैं, अगर कोई हम पर इल्जाम लगाए तो हम उसकी जान ले लेते हैं। इतने शरीफ लोग हैं। देखिए, आपके कहने से अगर आपकी लड़की को छेड़ा गया है तो कहाँ छेड़ा गया है हमें ये जानना बहुत जरूरी है। कि मतलब रोड पे छेड़ा, घर में छेड़ा, सड़क पे छेड़ा कि नहीं भैया, इन्होंने तो हमें बाजार में छेड़ा है, वो भी वहाँ पर जहाँ पर हमारे बापू की चाय की दुकान है, कसम बबलू सुरेश की। अरे अगर बाजार में हुआ है तो किसी ने तो देखा होगा लड़की को छिड़ते हुए, इन लोगों को छेड़ते हुए। हाँ, था कोई गवाह वगैरह? हाँ तो है ना मैडम, मेरे पास दो गवाह हैं। ये है वो दोनों, चाय उबल गई चीन में। अरे जरा बताओ ना। क्यों रे पनवाड़ी, क्या देखा था ना भाई? मैडम मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी तो दुकान भी नहीं खुली थी उस समय। सुपारी सुपर हिट है। क्या ये क्या झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ मिश्रा, चाय उबल गई चीन में। और सब्जी वाले, तुमने देखा कुछ? मैडम जी, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ ना मैडम जी, हमको बहुत जोरों से नींद लग रही थी, यहीं सो जाऊंगा। हमने तो कुछ देखा ही नहीं। अरे तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? चाय उबल गई चीन में। क्यों? जब तू ऐसा कर सके तो बाकी कोई क्यों नहीं? तैने भी तो कोई गवाही ना दी थी, मुंह ना खोला था वो बजरंग और पांडे वाले केस में, वो जब दो लड़कियां छिड़ी थी। हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि अगर आज किसी और की बहू, बेटी, बहन अगर छिड़ी जा रही है और हम चुप बैठते हैं तो कल को हमारी भी बारी आ सके। हमारे घर की बहू बेटियां भी छिड़ी जा सके और फिर दूसरे चुप रहेंगे। हुस्न बुरखे में सिमटा सिमटा जा रहा है, हसीना हॉलीवुड है। अरे जरा पर्दा हटा के सूरत तो दिखा दो। तू कटरीना, मैं कैफ, करीना को ले गया सैफ। तुम लोग शरीफ लड़की को छेड़ क्यों रहे हो? मेरा चेहरा दिखना चाहते हो? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देती हूँ। तुम्हारी बाप लेडीज। अबे तू अरे रुको, अरे खबरदार खबरदार, हम कहते हैं खबरदार, जो हमारे भांजे पर किसी ने हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। आई एम बैक। भाई नेताजी आप ही की कमी थी, बहुत सही करा जो तुम आ गए। देख लो अपने भांजों की करतूत है, आज तो जो है बर्दी वाली को छेड़ रहे हैं, वो भी ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को। अरे क्या सबूत है इसका हैं? कौन देगा गवाही? देखिए मैडम, ना कोई सबूत है ना गवाह। आई एम बैक। ए, मैं गवाह हूँ, मैं गवाही दूंगा। चाय उबल गई चीन में और हम भी गवाही देंगे। सुपारी सुपर हिट है। अरे मैं भी दूंगा इन दोनों के खिलाफ गवाही, यहीं सो जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या हो गया नेताजी? क्यों तोते क्यों उड़ गए? देखिए नेताजी, अब आपके जो दोनों भांजे हैं ना, इन्हें जेल जाने से अब कोई नहीं बचा सकता। सॉरी है, और जेल जाने से पहले हवालात में हमसे कोई नहीं बचा सकता। भाई उससे पहले एक हिसाब होना अभी बाकी से, नेताजी का हिसाब है। कानून को अपने बाप का राज समझ रखा ना तेने नेता। तुमने हमको थप्पड़ मारा। आई एम बैक। मॉम, अगर आपकी इजाजत हो, हरियाणा के थप्पड़ के बाद एक मैं पंजाब का थप्पड़ लगा लूं। कैरी ऑन। एक चांस मेरा भी, वन मोर। अरे तुम लोगों ने हमको थप्पड़ मारा है। अरे जेल करवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं एक एक को। हाँ, आई एम बैक। भाई नेताजी, जेल तो तब होगी ना जब हम पे कोई होगा मुकदमा, और मुकदमा तब होगा जब लिखी जाएगी एफआईआर, और एफआईआर भी तब लिखी जाएगी जब कोई सबूत होंगे, कोई गवाह होंगे। और भाई सबूत कोई है? सबूत कोई गवाह है? किसी ने देखा नेताजी के छुलछुले गालों पे लपड़ बजते हुए, नेताजी को पिटते हुए? यहाँ किसी ने देखा? भाई कौन, कब, कहाँ? हमने कुछ नहीं देखा। चाय उबल गई चीन में और मैंने भी कुछ नहीं देखा। तो मैं तो सो रहा था। क्या? सुनो सब लोग, अगर सारी जनता एकजुट हो जाए तो उसकी ताकत ऐसे गुंडे रूपी नेताओं का तख्ता पलट सके। अगर कानून और जनता हो जाए एक, तो समाज से हर बुराई को उखाड़ के देगी फेंक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।